कहते हैं जहां चाह वहां राह, और आसाम के सुखान पुखरी गांव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गांव में एक पुल बनाने के लिए जब लोग सरकारी महकमों के चक्कर लगाते लगाते थक गए तो गांव के इस व्यक्ति ने खुद इस पुल को बनाने की ठान ली। दरअसल असम के शिवसागर जिले के सुखान पुखरी गांव के हरेश्वर बैलू शारीरिक रूप से एक सक्षम व्यक्ति हैं और अपने खुद की जमा पूंजी निवेश से डिमे नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। नदी के ऊपर बनाए जा रहे इस पुल से असम के दो जिले शिवसागर और दिब्रूगढ़, साथ ही दो विधानसभा क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सकता है। इस नदी के दोनों तरफ रह रहे हजारों लोगों के लिए ये एकमात्र यातायात का साधन है। नदी पार कर शहर में उच्च शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, व्यवसाय आदि कामों पर जाने के लिए लोग एक बांस के पुल का इस्तेमाल करते थे और इस पुल के चलते अभी तक काफी लोगों की मौत भी हो चुकी थी। देश आजाद हुए कई साल हो गए, लेकिन इस गांव के स्थानीय लोग अपनी रोजाना जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बांस के पुल का सहारा ले रहे थे। कंगाली में आटे गीला तब हुआ जब कुछ दिन पहले आई तेज बारिश ने नदी के ऊपर बनाए गए इस बांस के पुल को अपनी चपेटे में ले लिया। तेज बारिश में पुल बह गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए गांव के स्थानीय व्यक्ति हरेश्वर बैलू ने जमीन बेचकर और कुछ रुपए उधार लेकर खुद के पैसे जमा कर इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया। हरेश्वर बैलू अब तक 14 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। पुल के निर्माण में अभी भी लगभग 3 लाख रुपए और लगेंगे। हालांकि 2 जनवरी 2021 को स्थानीय लोगों की मदद से नदी के ऊपर पक्के पुल का उद्घाटन कर दिया गया। इस पुल का नाम भी कुछ अनोखा रखा गया है। हरेश्वर बैलू ने इस पुल का नाम टनाजुरा पुल रखा है, यानी कि नदी के दोनों पार को जोड़ने वाला पुल। इस पुल पर लोग अपने मुताबिक इस पार से उस पार जा सकते हैं। पुल के ऊपर एक रेलिंग दी गई है और उसके ऊपर लोहे की दो प्लेट है, जिससे लोग नदी को अपने अनुसार पार कर सकते हैं। पुल का नाम टनाजुरा इस वजह से रखा गया है क्योंकि नदी के दोनों पार दो गांव, दो विधानसभा क्षेत्र और दो जिले हैं। स्थानीय लोग अपने अपने क्षेत्रों के पंचायतों और विधायकों से गुहार लगा लगा कर थक गए, लेकिन दोनों तरफ से लोगों को एक ही बात सुनने को मिलती थी कि ये पुल हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जब कहीं से मदद नहीं मिली तब हरेश्वर बैलू ने अपने खुद के पैसे से पुल बनवाने का बेड़ा उठाया। पिछले साल 2 जनवरी 2020 को पुल के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। पुल कौन बना रहा है? मेरा पिताजी बना रहा है। पिताजी का नाम हरेश्वर बैलू है और मैं उनके बड़ा बेटा सत्येन बैलू। ये पुल जो अभी बना रहा है 2020 1 जनवरी से शुरू किया था, अभी 2021 2 जनवरी को ओपनिंग करेगा। ये दलंग ना होने से वजह से बहुत तकलीफ होता है, ना स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, और कुछ कभी कभी तो ये दलंग से आगे वो जो बाँ का साकू है ना, उससे गिरकर 2-3 आदमी भी मर गया। ये अपना पिताजी ने खुद अपना पैसा से बनाया है और थोड़ा बहुत मैं गांव वालों से भी सहायता किया है। कितना रुपया खर्चा हुआ है मतलब इस पुल में? पुल को अभी तो 12-13 लाख हो गया और 3-4 लाख रुपया खर्चा होगा। ये जो पुल बना रहे आपके पति हैं? हाँ, पति हैं। क्या नाम है उनका? नाम से रंजना बैलम। पति का नाम? हर्षा का बैलम। आपको मतलब ये पुल जो बन रहा है ये किस कौन सा नदी है? ये 2000 एक साल के अंदर पुल के निर्माण को संपन्न करने के बाद आज ये पुल आम लोगों के यातायात के लिए खुल चुका है। इस नेक और बहादुर कार्य के लिए लोग हरेश्वर बैलू की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों जिलों में हरेश्वर बैलू और उनका ये पुल चर्चा का विषय बना हुआ है। TV9 भारतवर्ष के लिए सूरज देव की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।